हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखें इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे इनकी फिंगर्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स के जो फर्स्ट फैलेंज हैं काफ़ी थिक हैं, लेकिन आगे से जो फिंगर्स हैं पॉइंटेड हो रही हैं, तो एनालिटिक क्वालिटीज इनके अंदर काफ़ी रहेंगी और हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ कर करने की इनका जो रुझान लाइफ में रहेगा। लेकिन थोड़ी सी जो फिंगर्स हैं वो टिल्ट हो रही हैं सैटर्न फिंगर की तरफ, और अगर फिंगर्स की लंबाई नापी जाए तो अपोलो फिंगर थोड़ी सी लंबी है एज़ कंपेयर टू बृहस्पति। तो अपोलियन क्वालिटीज इनके अंदर ज़्यादा रहेंगी। वैसे बृहस्पति की फिंगर भी काफ़ी अच्छी है, माउंट बृहस्पति का काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी डेवलप्ड है। तो थोड़ा सा रुझान इनके अंदर जो रहेगा वह रहेगा वैराग्य की तरफ। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी थोड़ा वैराग्य की तरफ इनका ध्यान जाएगा सैटर्न की फिंगर की तरफ झुकाव होने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खास चिन्ह हैं इनके हाथ में जिनको हम स्टडी करेंगे यहाँ से, और आपको दिखाऊंगा नई चीज़ें इनके हाथ में हमें जो जो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी जो चीज़ इनके हाथ में दिखाई दे रही है वो है एक बिग एम। काफ़ी अच्छा बन रहा है इनके हाथ में, आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से इनके जो एम का साइन है वो बन रहा है और काफ़ी क्लियर है, और यहाँ माइंड की लाइन भी काफ़ी अच्छी यहाँ तक जा रही है। तो कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा एम का सिंबल है, और मैंने पहले भी एक एम के सिंबल के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे व्यूअर्स ने मुझसे यही क्वेश्चंस किए कि हमारे हाथ में एम का साइन है लेकिन हम कामयाब नहीं हैं, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे आए। तो बताना चाहूँगा, पहली बात तो एम का जो सिंबल होता है इस पे हम इतनी ये जो लक की लाइन है ये वाली काउंट करते हैं, चाहे नीचे वाली लक की लाइन ना भी हो, अगर यह भी हो तो बहुत अच्छा है। तो एक बार आपको बताना चाहूँगा कि लाइंस यहाँ पर कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन होनी चाहिए बिना फ्लॉस से, और यहाँ जो एरिया है एम के साइन के लिए यह अच्छा होना चाहिए। अगर यह पूरा है तो, अगर लाइन यह वाली लक की पूरी है तो आपको लाभ मिलेगा शुरू से ही लाइफ में, यंग एज से ही। लेकिन अगर आपके एम में सिर्फ यहाँ से ही लाइन चल रही है, इतनी ही लाइन है, डेवलप्ड है, तो आपको जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 35 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन उसमें भी यह लाइन क्लियर होनी चाहिए बिना किसी तिल के या बिना किसी बैड मार्किंग के, बिना आईलैंड के, और उसके बाद लाइफ की लाइन बिना कट्स वगैरह के होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस ऐसी काटती हुई नहीं होनी चाहिए। फिर अगर एम बन भी रहा है तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, या बाकी इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो चलिए इनके हाथ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनके हाथ में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या नए साइंस हैं, सबसे पहले उन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर ओवरऑल हैंड के एनालिसिस करेंगे हम। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनके हाथ में, काफ़ी कुछ ऐसा है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इनके ट्राइरेडल देख सकते हैं। ट्राइरेडल मैं आपको पहले भी एक दो वीडियोस में बता चुका हूँ, काफ़ी हाई सेट हैं। यहाँ पर इनके हाथ में एक स्क्वायरिश चिन्ह बन रहा है इनके बृहस्पति के ऊपर, यहाँ पर एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, जो इनको काफ़ी लाभ देगा, यानी प्रोटेक्शन देता है ऐसा स्क्वायर का चिन्ह। इनके जो इनकी अपनी मान्यताएँ हैं, जो इनके रुझान हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा। इनकी जो स्पिरिचुअलिज्म है, इनका रिलीजन है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। यह चिन्ह काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है। बृहस्पति इनका वैसे भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इनके हाथ में बृहस्पति की यह स्थिति बता रही है कि यह काफ़ी अच्छे लीडर और काफ़ी अच्छे टीचर हो सकते हैं। और उसके बाद मरकरी के ऊपर खड़ी लाइनें इनके काफ़ी सारी हैं, जिसको मेडिकल स्टिग्मेटा भी कह देते हैं पामिस्ट्री में। लेकिन जरूरी नहीं होता कि इनके होने से व्यक्ति डॉक्टर या कुछ ऐसा प्रोफेशन में ही हो। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में मेडिकल स्टिग्मेटा बनता है, इनकी जो एक तरह से कह सकते हैं वाणी होती है बहुत मधुर होती है, बोलने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, भाषण दे सकते हैं और अपने शब्दों से किसी को भी हील कर सकते हैं, या इनके अंदर और भी कुछ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं जो लोगों का भला करने में जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह की यह चीज़ इनके हाथ में बन रही है। उसके बाद लूप ऑफ ह्यूमर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एक ये घूमने वाली लाइंस हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यह लूप ऑफ ह्यूमर कहलाती हैं, यानी कि थोड़ा सा मजाकिया पर्सनैलिटी भी होती है। ऐसे व्यक्ति खुद भी हंसते रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी हंसाना पसंद करना इनकी आदत होती है। कुछ इस तरह के चिन्ह इनके अंदर बन रहे हैं।
ट्राई रिडल मैंने आपको बताया था कि ट्राई रिडल इनके क्लियर दिखाई दे रहे हैं दोनों मोड्स के ऊपर। ट्राई रिडल कौन से होते हैं? जो इस बारीक लाइनों से, कुछ इस तरह की लाइनों से कुछ जो चल रही हैं वह एक त्रिकोण बना देते हैं सेंटर में, यह ट्राई रिडल है। कुछ ऐसा ही ट्राई रिडल मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो यह माउंट इनका जो है सूर्य का माउंट शिफ्टेड है थोड़ा सा मरकरी की तरफ। तो ऐसे माउंट जो शिफ्टेड होता है ऐसे लोगों के कुंडली में बुध आदित्य योग होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे माउंट्स हैं इनके हाथ पे, काफ़ी अच्छा एम का साइन है और प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पर एक इनके हाथ में चिन्ह है जिसको हम कह सकते हैं स्क्वेयर का चिन्ह, तो काफ़ी शुभ है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइन्स की तरफ। लाइन्स इनकी हमें क्या क्या बताती हैं उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, बायफोर्क हो रही है और यहाँ से एक फोर्क जो है लगभग यह जो फोर्क मुझे दिखाई दे रहा है बनता हुआ, यह सैटर्न लाइन से बन रहा है और काफ़ी सीधी लाइन चल रही है हार्ट की। तो कहना चाहूँगा दिल के काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी इनकी और साथ ही साथ यह एक बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। इनके साथ दोस्ती काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि यह किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी बन रही है। और हार्ट लाइन पर कुछ ऑफशूट्स जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऑफशूट्स दोनों तरफ को दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सी फ्लर्टीनेस नेचर में आ जाती है ऐसे ऑफशूट्स होने के कारण, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन इतने से ऑफशूट होना यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं देते, लेकिन थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर या शो करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हुए इनकी बाकी की लाइन्स को चेक करते हैं। अगर इनकी माइंड की लाइन को देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी सीधी और काफ़ी लंबी है, थोड़ी सी डिक्लाइनिंग है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आ रहा। लेकिन इतनी डिक्लाइनिंग होने से भी व्यक्ति इमेजिनेशंस ज़्यादा करता है, कल्पना की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा व्यक्ति उस कल्पना को यूज़ कहाँ पर करता है। अगर तो वह इन कल्पनाओं को यूज़ करे किसी अच्छे कार्य के लिए, कुछ राइटिंग के लिए, कुछ आर्ट के लिए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कामयाब होते हैं आर्ट के क्षेत्र में। तो अगर वो ऐसे ही सोचता रहे और कहीं भी यूज़ ना करे तो यह कल्पनाएं थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन इनकी बाकी की लाइन्स शो कर रही हैं कि इनके लिए यह कल्पनाएं नेगेटिव नहीं होंगी, तो काफ़ी शुभ है यहाँ पर। उसके बाद अगर इनकी फेट लाइन देखी जाए तो फेट लाइन बहुत ही अच्छी चल रही है। यहाँ से मैं फेट लाइन बड़ी क्लियरली देख सकता हूँ और काफ़ी ऊपर तक चल रही है फेट लाइन। तो फेट लाइन के साथ साथ मनी ट्रायंगल बन रहा है, काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ हाथ में बनना। यह वाला ट्रायंगल काफ़ी धन दौलत दिलवाता है, पैसा दिलवाता है। तो यह इनके हाथ का एक काफ़ी शुभ चिन्ह है, काफ़ी अच्छा एम का साइन, मनी ट्रायंगल और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी फेट लाइन होना इनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और तो यह कुछ इस तरह की सिचुएशन सारी लाइन्स इनकी बना रही हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से साइंस इनके हाथ में हमें दिखाई देते हैं आगे बढ़ते हुए। इनकी लाइफ लाइन को अगर चेक करें तो लाइफ लाइन थोड़ी सी वीनस के बाहर की तरफ चल रही है, आपको थोड़ा सा क्लोजअप लेकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ का जो पैटर्न है कुछ किस तरह से चल रहा है, जो इनका लाइफ लाइन का कोर्स है वो कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे चल रही है इनकी लाइफ की लाइन। और एक साथ ही लाइन और है जिसको मार्स लाइन भी बोल दिया जाता है और जिसको असिस्टेंट लाइन भी कहते हैं, कुछ इस तरह से चल रही है, डबल लाइन हो रही है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव पॉइंट भी रहेगा, लेकिन यह कुछ ऐसा भी शो करता है कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई बहुत ही खास व्यक्ति इनकी लाइफ में जुड़ा, चाहे वो स्पाउस हो सकता है या कोई भी कोई फ्रेंड हो सकता है, और काफ़ी देर तक बहुत अच्छा इनके साथ उनका एक तरह से रिलेशनशिप रहा। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर जो एज शो हो रही है लगभग 55 के आसपास की एज, उसके बाद दूरी बननी शुरू हो गई। दूरी कुछ इस तरह से हो सकती है कि इनको कहीं विदेश जाना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो लाइफ की लाइन है वह कुछ इस तरह से चल रही है कि यह धीरे धीरे अपनी फैमिली से, यह जो एरिया होता है, यह वाला जो एरिया जिसको मैंने सर्कल किया, यह वीनस का एरिया है और यह शो कर रहा है कि वीनस से ये दूर, वीनस हमारा घर होता है और यह जो मून का एरिया है इधर वाला, यह होता है विदेश या फॉरेन या बाहर के जो भी लोग हैं वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो लाइफ लाइन का कोर्स चल रहा है बहुत ही सीधे चलते हुए कुछ इस तरह से निकल रहा है मून की तरफ। तो यहाँ पर यह प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि यह
अपने घर से दूर हो सकते हैं, बाहर बहुत दूर जाकर सेटल हो सकते हैं, चाहे वो यूएसए हो सकता है या कोई भी और कंट्री हो सकता है, जिसमें यह जाकर प्रॉपरली सेटल हो सकते हैं। कुछ इस तरह का यह जो लाइफलाइन का स्ट्रक्चर है मुझे कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है। और इस तरह से इस एज से यहाँ से ये दोनों लाइनें आपस में दूर होना शुरू हुई। तो इसको अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो 55 और 50 से अबव की एज शो हो रही है। इस 50 प्लस की एज के बाद इनकी लाइफ में कोई टर्न आ सकता है और उस टर्न के साथ ही यह घर से दूर होना, धीरे धीरे जो दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है लाइनों का, कुछ इस तरह से शो कर रहा है कि दूर होना शुरू हो सकता है और बाद में यह जाकर सेटल हो सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में। तो कुछ इस तरह की इनकी लाइफ लाइन का स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही लाइफ लाइन में, क्योंकि छोटी कुछ लाइंस हैं जो स्ट्रेस लाइंस हमको जिनको कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और उनके इन स्ट्रेस लाइंस के आने के बाद भी लाइफ के फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं आया, लाइफ का फ्लो स्मूथ चल रहा है। तो यह इनको बताना चाहूँगा कि यह इनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति की लाइफ में आती रहती हैं, तो कुछ इस तरह का यह इनके हाथ की जो लाइफ लाइन है हमें शो कर रही है। अदरवाइज अगर लाइफ को प्रेडिक्ट किया जाए तो 75 के आसपास की एज मुझे यहाँ पर इनके हाथ में दिखाई दे रही है। 75 प्लस की एज इनकी रहेगी, बहुत ज़्यादा लंबी एज भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ही एवरेज है और बहुत ही सही एज है। तो इस एज को मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, इतनी एज होना व्यक्ति के लिए काफ़ी सफिशियंट होता है। तो चलिए, इन्होंने एक दो पिक्चर्स और भेजी थी मुझे अपने हाथ की, जो काफ़ी शुभ चिन्ह है इनके हाथ में, उनको भी आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए मैं दूसरी पिक्चर को शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके मून एरिया पे काफ़ी एक क्लियर फिश का चिन्ह है, आपको दिखा रहा हूँ एक बार ड्रॉ करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिश का चिन्ह मून एरिया पे काफ़ी अच्छा बन रहा है और जो बाहर की तरफ है, प्रकर्षण से बाहर की तरफ जा रहा है। तो कुछ इस तरह की इंडिकेशन इनके हाथ से मुझे मिल रही है कि यह विदेश यात्रा जरूर करेंगे, क्योंकि फिश का चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ पे ज़्यादा होते हैं जो पानी की यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ इस तरह की इंडिकेशन इनसे मिल रही है जो इनके लिए काफ़ी लाभदायक भी रहेगी और फॉरेन से इनको पैसा और इनकम काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ इस तरह की इंडिकेशन इस चिन्ह से मुझे मिल रही है। इसके अलावा इन्होंने अपने अंगूठे की तस्वीर भी भेजी है मुझे, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी शुभ चिन्ह है उसके ऊपर भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अंगूठे का क्लोजअप है मेरे पास और काफ़ी अच्छा और बड़ा यव का चिन्ह बन रहा है, यानी कि बुद्धाज आई, जिसको हम पामिस्ट्री में कहते हैं, कुछ इस तरह का चिन्ह बन रहा है इनके हाथ पे। मैं आपको क्लियरली बनाकर दिखाता हूँ, यह कुछ इस तरह का चिन्ह है और आप देख सकते हैं दोनों साइडें यहाँ से बंद हैं। और इस तरह की बुद्धाज आई का बनना बहुत शुभ माना जाता है पामिस्ट्री में, जिनके हाथ में जो साइड्स हैं वो बंद हों, ऐसा जो यव का चिन्ह होता है काफ़ी शुभ माना जाता है और इसको बुद्धाजाई भी कहा जाता है। और यह यव का चिन्ह हमें रिलीजियस बनाता है, रिलीजियस बनाने के साथ साथ काफ़ी धन और वैभव भी इस यव के चिन्ह के कारण हमें मिलता है। तो यह कुछ इंडिकेशंस थी, इनके हाथ में काफ़ी सारे शुभ चिन्ह हमने देखा, एक बड़ा एम का साइन देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें इस जो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने सारे जो चिन्ह थे उनको क्लियर किया। फिर भी अगर कोई मार्किंग इनके हाथ में रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरे ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।